अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सबको बताया कि हमने एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन जो है वो स्टार्ट किया है, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने ऑक्सीटोसिन के बारे में बात की थी कि ऑक्सीटोसिन क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, किस तरह रिलीज होता है, ये सारी बातें हमने की थी। मेल में इसके फंक्शंस क्या है, फीमेल में इसके फंक्शंस क्या है, किस तरह रिलीज़ होती है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। अब हम चूंकि ऑक्सीटोसिन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, ठीक है, और ये कहाँ पर बनता है वो भी मैंने डिस्कस किया है, कहाँ से रिलीज होता है वो भी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा जो हार्मोन है वो है एंटी डायबिटिक हार्मोन, यानी ADH है। अब इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ADH के बारे में, यानी एंटी डायोरेटिक हार्मोन के बारे में, ठीक है। तो चलिए फुल डिटेल के साथ इसे भी पढ़ते हैं कि एंटी डायोरेटिक हार्मोन क्या है और इसके फंक्शन क्या है, ठीक है दोस्तों। सो द सेकंड वन हार्मोन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द एंटी डायोरेटिक हार्मोन। अब दोस्तों, मैंने पहले लेक्चर्स में ये पाइनियल ग्लैंड के बारे में बात की थी, फिर हमने हाइपोथैलेमस के बारे में बात की थी, फिर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को इंट्रोड्यूस किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है और इसके उसका लोकेशन क्या है, ये सारे बातें हमने डिस्कस की थी। फिर हमने इसको डिवाइड किया था इंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर एडिनो एंड नेरो हाइपोफाइसिस में हमने इसको डिवाइड किया था, और फिर हमने कहा था कि हम नेरो हाइपोफाइसिस के हार्मोन्स डिस्कस करेंगे सबसे पहले, जो कि है ऑक्सीटोसिन एंड ADH यानी एंटी डायबिटिक हार्मोन। अब ऑक्सीटोसिन को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम डिस्कस करते हैं एंटी डायबिटिक हार्मोन को, ठीक है दोस्तों। सो दूसरा जो हमारा हार्मोन है वो है एंटी, देखिए मैं अल्फाज को काट देता हूं ताकि आपको आसानी समझा सकूं, एंटी डायोरेटिक, सही है, हार्मोन। अब देखिए ये बहुत अब आसान हो गई, एंटी डायोरेटिक हार्मोन, ठीक है। एंटी कहते हैं खिलाफ को, खिलाफ, डायोरेटिक निकला है डायोरेसिस से, डायोरेसिस, और डायोरेसिस कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, डायोरेसिस कहते हैं पेशाब करना, पेशाब करने को, यानी वो हार्मोन जो पेशाब करने के खिलाफ है, तो इसे हम डायोरेटिक, एंटी डायोरेटिक हार्मोन कहते हैं। तो दोस्तों क्या ऐसा होता है कि ये हार्मोन आपको पेशाब करने से रोकता है कि आप पेशाब मत करो? नो, ये हार्मोन हमारे किडनीज पर एक्ट करके किडनी को यूरिन बनाने से रोकती है, किडनी को यूरिन बनाने से रोकती है। तो जब किडनी यूरिन नहीं बनाएगी तो क्या आप पेशाब करेंगे? नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो एंटी डायोरेटिक हार्मोन यानी डायोरेसिस लव्स जो है, ये पेशाब करने को कहते हैं, इसे हम मैक्चुरेशन भी कहते हैं, ये पेशाब करने के खिलाफ है, यानी पेशाब करने के खिलाफ नहीं, पेशाब बनाने के खिलाफ है। अब पेशाब कौन बनाता है, यूरिन कौन बनाता है? तो यूरिन बनाता है हमारा किडनी, हमारा नेप्रॉन, ठीक है दोस्तों, ओके। सो एंटी डायोरेटिक हार्मोन वो हार्मोन है विच प्रिवेंट यूरिन फॉर्मेशन, प्रिवेंट यूरिन फॉर्मेशन। तो दोस्तों अब कैसे ये यूरिन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है, सवाल ये है कि ये किस तरह रिलीज होता है, ठीक है, ओके। चले हम यहां पर लिखते हैं हाउ रिलीज्ड, ये हार्मोन किस तरह रिलीज होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दो ऐसे कंडीशंस होते हैं जो इस हार्मोन को रिलीज करने पर मजबूर करते हैं। सबसे पहला है नंबर वन, लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो तो ये लो ब्लड प्रेशर इस हार्मोन को रिलीज करने के लिए एक ट्रिगर है। दूसरा है हाई ऑस्मोलैलिटी, हाई ऑस्मोलैलिटी, वेरी गुड। अब चले देखते हैं,
अगर बंदे का ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों इन दोनों बातों को समझने की कोशिश करें, बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो बात है हमारी पहली वाली, जब आपका बीपी कम हो जाए तो देखिए ये हमारे किडनीज हैं, ठीक है दोस्तों, ये हमारे किडनी की तरफ ब्लड आती है, रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आती है। ये हमारे किडनी में क्या है, ये हमारे किडनी में नेप्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल ये नेप्रॉन। अब ये ब्लड जब नेप्रॉन के थ्रू पास होती जाएगी तो बंदे का ब्लड प्रेशर तो कम है, तो जब ब्लड प्रेशर कम है तो किडनी की तरफ कम ब्लड जाएगी या ज्यादा, ऑब्वियसली कम जाएगी। तो जब कम जाएगी तो यहां पर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, यहां पर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को नोट करते हैं, ये रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं। जब ब्लड आती है तो ये ब्लड इनको पुश करती है, तो जब पुश करती है अगर नॉर्मल प्रेशर के साथ ये पुश करेगी इसे, तो ये नोट करेंगे कि भाई प्रेशर ऑफ ब्लड ठीक है। लेकिन अगर अब बंदे का ब्लड प्रेशर जो है वो 70/50 है mmHg, तो क्या ये उसी नॉर्मल प्रेशर के साथ इन रिसेप्टर्स को पुश करेंगे? नो, ठीक है। तो जब पुश नहीं कर सकेंगे तो ये जो रिसेप्टर्स है ये अचानक एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये रिसेप्टर्स आपके ब्लड में, आपके वेन्स वीनस सिस्टम में किस चीज को रिलीज करेंगे? रिनिन हार्मोन को रिलीज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहां से क्या रिलीज हो गई? रिनिन हार्मोन रिलीज हो गई, ठीक है। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस इसे कहते हैं या सेल्स कहते हैं, चलो लिख देता हूं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स नेप्रॉन के पास होते हैं, नेप्रॉन के करीब होते हैं, ये सेल्स कम ब्लड प्रेशर को नोट करके फिर रिनिन हार्मोन रिलीज करेंगे। अब ये रिनिन हार्मोन, ये रिनिन हार्मोन क्या करेगी? ये रिनिन हार्मोन जाएगी और आपकी किडनी, आपके लीवर से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम एंजियोटेंसिनोजेन कहते हैं, एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है दोस्तों। किडनी से आपके बॉडी में एंजियोटेंसिनोजेन रिलीज होती है, ये रिनिन हार्मोन जाके एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगी एंजियोटेंसिन वन में, ठीक है। ये एंजियोटेंसिन वन, समझ गए दोस्तों? वेरी गुड। देखिए रिनिन हार्मोन किडनी से रिलीज होकर आ गई ब्लड में, अब लीवर से ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन रिलीज हो चुकी है, घूम रही है, ये रिनिन आ जाएगी और उस एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। अब ये एंजियोटेंसिन वन जाकर आपके लंग्स के थ्रू पास हो जाएगी, आपके लंग्स में चली जाएगी। यार इस तरह नहीं है कि ये अकेले जाता है, हमारा ब्लड है ना, ब्लड हार्मोन्स और डिफरेंट सब्सटेंसेस को सर्कुलेट कर रही है, ये हम जानते हैं। तो ये एंजियोटेंसिनोजिन वन जब किसके थ्रू पास हो रही है बताया? लंग्स के थ्रू ये पास हो रही है। तो जब लंग्स के थ्रू एंजियोटेंसिन वन पास हो रही है तो यहां पर कुछ एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स इससे कुछ अमीनो एसिड्स को काट लेते हैं और इसे कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिन टू में, समझ गए? एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब बंदे का ब्लड प्रेशर क्या था? लो। अब इसके बॉडी में एंजियोटेंसिन टू पैदा हो गई, क्रिएट हो गई। एंजियोटेंसिन टू अब बहुत सारे काम करेगी, उन सारे कामों से में से एक काम यह है कि ये यहां आकर, देखिए गौर से, यहां आकर हाइपोथैलेमस पर इसके लिए कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, किसके लिए? एंजियोटेंसिन टू के लिए हाइपोथैलेमस पर रिसेप्टर्स होते हैं। बातें दोस्तों बहुत मुश्किल है लेकिन मैं आसानी के साथ आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये एंजियोटेंसिन टू आपके ब्लड में से होकर आएगी और यहां पर अपने रिसेप्टर को
एक्टिवेट करेगी। ये भी एक हार्मोन है। ये रिसेप्टर किसके लिए है? एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर है ये, समझ रहे हो। अब जब एंजियोटेंसिन 2 हाइपोथैलेमस पर ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो रही है तो ये रिसेप्टर हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेगी सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस की तरफ कि यार आपके पास जो है वो रिलीज करो जल्दी जल्दी। तो हाइपोथैलेमस को पता होता है कि जब एंजियोटेंसिन 2 का रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे का ब्लड प्रेशर लो है, तो जल्दी जल्दी ये किस चीज को रिलीज करेगी मेरे प्यारे दोस्तों? एडीएच हार्मोन को रिलीज करेगी, एंटी डायबिटिक हार्मोन को रिलीज करेगी। देखिए इसके रिलीज का एक तरीका ये हुआ कि बंदे का ब्लड प्रेशर अगर कम हो तो ये सारा काम हो जाए। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 यहां आ जाएगी, अपने रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी और फिर इस रिसेप्टर के थ्रू एंजियोटेंसिन 2 यहां पर बनती है, देखो हाइपोथैलेमस में बनती है और फिर ये यहां आकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फिर ब्लड में रिलीज हो जाएगी। तो एंटी डायबिटिक हार्मोन ब्लड में रिलीज हो गई, एक तरीका ये हुआ। अब दूसरा तरीका क्या है वो भी बताता हूं, लेकिन यहां आप समझ जाइए कि एंटीडायरेटिक हार्मोन रिलीज हो गए, बाद में हम देखते हैं कि ये क्या करती है। गुड, नेक्स्ट है हाई ऑस्मोलैलिटी। ओके, बात ये है कि अगर हमारे ब्लड में सॉल्यूट्स का मकदार बढ़ जाए और सॉल्वेंट का मकदार कम हो जाए, यानी हमारा ब्लड जो है वो हाइपरटॉनिक हो जाए, हाइपरटॉनिक हो जाए, ठीक है। ओके, चलो बताता हूं। दो कैपिलरीज बनाता हूं दोस्तों, एक कैपिलरी ये है, एक कैपिलरी ये है, ठीक है। इस पहले वाले कैपिलरी में फ्लूइड्स बहुत ज्यादा है, देखिए फ्लूइड को मैं ग्रीन कलर के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और दूसरे वाले कैपिलरी में फ्लूइड आपको पता है कि कम है। पहले वाले कैपिलरी में सॉल्यूट्स की मकदार नॉर्मल है, दूसरे वाले कैपिलरी में सॉल्यूट्स की मकदार क्या है दोस्तों? ज्यादा है। तो यहां पर फ्लूइड्स क्या है? हाई है। यहां पर चलो मैं लिख देता हूं नॉर्मल है, हाई नहीं है, नॉर्मल है। यहां पर फ्लूइड्स जो है वो कम है, तो जब फ्लूइड्स कम है यहां पर तो क्या ज्यादा है? सॉल्यूट्स ज्यादा है। तो जब सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में, हमारा ब्लड एक सॉल्यूशन है, जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स की मकदार ज्यादा हो तो उसे हम हाइपरटॉनिक कहते हैं। तो अब बताएं यहां पर फ्लूइड्स नॉर्मल है तो यहां पर ब्लड भी नॉर्मल चल रही होगी, और यहां पर फ्लूइड्स कम है सॉल्यूट्स ज्यादा है तो यहां पर ब्लड क्या होगी? इसकी फ्लो कम होगी, इसकी ऑस्मोलैलिटी ज्यादा होगी, इस ये ब्लड जो है ये हाइपरटॉनिक है, ठीक है, समझ गए। तो इस हाइपोथैलेमस पर ऑस्मोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऑस्मोरिसेप्टर। ये ऑस्मोरिसेप्टर जो है ये ब्लड की ऑस्मोलैलिटी को चेक करती है। जब ब्लड की ऑस्मोलैलिटी नॉर्मल हो, नॉर्मोटॉनिक हो, तो ये रिसेप्टर नॉर्मली एक्टिवेट नहीं होते। जब ब्लड की ऑस्मोलैरिटी हाइपरटॉनिक हो जाए, सॉल्यूट ज्यादा हो जाए, फ्लूइड्स कम हो जाए, यानी एक ऐसा कंडीशन जब आप के बॉडी से बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो जाए, फ्लूइड्स निकलना शुरू हो जाए, या एक ऐसा कंडीशन अगर आपका पेट खराब हो, राइट, डायरिया, डायरियल कंडीशन में हो आप, आपके पेट से जो है वो क्या जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्स है फ्लूइड्स निकल रहे हैं, तो आपके ब्लड में फ्लूइड का मकदार कम हो जाएगा। तो जब फ्लूइड कम हो जाएंगे तो सॉल्यूट्स ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएंगे, तो ब्लड हाइपरटॉनिक हो जाएगा। तो यहां पर ऑस्मोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ऑस्मोरिसेप्टर्स। ये ऑस्मोरिसेप्टर्स क्या नोट करते हैं? ब्लड की ऑस्मोलैलिटी। अब ब्लड की ऑस्मोलैलिटी हाइपरटॉनिक है, ज्यादा है, तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगी, और ये एक्टिवेट होकर किसको सिग्नल देगी? सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस को, और फिर सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से क्या रिलीज हो जाएगी? एडीएच, और एडीएच आ जाएगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज हो जाएगी। ब्लड में आपके एंटी डायबिटिक हार्मोन रिलीज हो गई दोस्तों। तो ये दो तरीके हैं, इंपॉर्टेंट तरीके, कि ये एंटी डायबिटिक हार्मोन को रिलीज करने में मदद देती।
अब जब एंटी डायबिटिक हार्मोन रिलीज हो जाएगी तो क्या करती है, ये क्या करते हैं देखे दोस्तों, हमारे किडनीज में नेप्रॉन्स पाए जाते हैं, आपको पता है हमारे किडनी में नेप्रॉन्स पाए जाते हैं। देखिए मैं एक नेप्रॉन यहां पर बनाता हूं, ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले है इस तरह, ये सेकंड कन्वोल्यूटेड पार्ट है, ये फिर इस तरह आपका कलेक्टिंग डक्ट है इस तरह। तो ये क्या है, ये बोमेंस कैप्सूल है या हम कहते हैं ग्लोमेरुलस है। ये क्या है, प्राइमरी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। अब ये क्या है, लूप ऑफ हेनले, ये क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब आपको पता है कि नेफ्रॉन के ऊपर पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज सराउंडेड होते हैं इस तरह, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज, मैं लिख देता हूं यहां, पेरी मींस अर्थ गिर्द, पेरिट्यूब्यूलर मींस ट्यूब, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज है, समझ गए। अब यहां पर सेल्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सेल्स। तो मैं किस जगह को इशारा कर रहा हूं, कलेक्टिंग डक्ट। जब ये एडीएच हार्मोन रिलीज हो जाएगी तो ये एडीएच हार्मोन आकर यहां पर इनके ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब अगर हम इस जगह को थोड़ा सा इनलार्ज करें, फॉर एग्जांपल ये उसी जगह का एक सेल है, तो यहां पर इसके ऊपर एडीएच हार्मोन के लिए रिसेप्टर, ये एडीएच हार्मोन रिलीज हो गई है और ये यहां आकर अपने रिसेप्टर पर बैठ गई, तो ये क्या है दोस्तों, ये एडीएच है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये एडीएच हार्मोन आकर अपने रिसेप्टर पर बैठ गया और रिसेप्टर ने सेल को सिग्नल दिया और सेल क्या करती है, मेडिकल फील्ड में अगर जाए तो फिर बहुत डीप हो जाएगी, लेकिन सिंपल अल्फाज में मैं आपको कहता हूं कि ये रिसेप्टर जब सेल को सिग्नल देती है तो सेल जल्दी जल्दी अपने यहां पर कुछ पंप्स को एक्टिवेट करती है, ठीक है, और इन पंप्स के थ्रू, ठीक है, इन पंप्स के थ्रू ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से जल्दी जल्दी H2O को एब्जॉर्ब करती है। देखिए आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में पहले से वाटर मौजूद होता है, ठीक है, वाटर मौजूद होता है। जब ये एडीएच हार्मोन आकर अपने रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी तो ये सेल जल्दी जल्दी अपने पंप्स को एक्टिवेट करेगी और ये पंप्स जल्दी जल्दी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वाटर एब्जॉर्प्शन शुरू करेगी। तो जब सेल के अंदर वाटर आएगी, ज्यादा ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो गई, तो ये वाटर कहां जाएगी, ये वाटर सेल पर पंप करेगी, आपके ब्लड को दे देगी, वाटर पंप हो जाएगी और किस तरफ चली जाएगी, ब्लड में वाटर आ जाएगा। तो जब ब्लड में वाटर का लेवल पर बढ़ जाता है तो क्या ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो है वो नॉर्मल की तरफ नहीं चली जाएगी, तो नॉर्मोटॉनिक होती जाएगी, आपका ब्लड जो है आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मोटॉनिक ही इख्तियार करेगी। एक या तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका, अब बंदे का ब्लड प्रेशर लो था तो जब ब्लड में फ्लूइड का लेवल बढ़ जाता है तो क्या ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ। और इसी तरह देखिए, जब आपकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से आपने वाटर को एब्जॉर्ब किया तो क्या यूरिन बन जाएगी, यूरिन तो 90% बल्कि 97% वाटर होती है, तो जब वाटर एब्जॉर्ब हो गई वापस बॉडी में चले जाएगी तो क्या यूरिन बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। तो इस तरह इसने ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को भी नॉर्मल किया, नॉर्मोटॉनिक किया और आपकी बीपी को भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा देगी। ये तो ये है दोस्तों एंटी डायरेटिक हार्मोन का फंक्शन और इसके किस तरह ये रिलीज होती है, ये हमारे बॉडी में किस तरह काम करती है, ये हमने पढ़ाया आपको। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हार्मोन्स हमने डिस्कस किए, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को डिस्कस करूंगा फुल डिटेल के साथ। आप लोगों से गुजारिश है
कि आप लोग प्लीज़ अब इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और दोस्तों को चैनल पर इनवाइट करें प्लीज़। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।